गुजरात चुनाव नजदीक है, ऐसे में पीएम मोदी का कार्यकर्ताओं से बात करना और उनमें जोश भरना किसी जीत के मंत्र से कम नहीं होगा। पीएम मोदी ने दिवाली पर जब एक कार्यकर्ता से बात की तो सियासी गलियारों में यही सवाल उठे कि क्या पीएम मोदी खुद कार्यकर्ताओं से बातचीत कर चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं, कहीं ये शुभकामनाएं कोई साजिश तो नहीं। वैसे बीजेपी इसे चुनाव से जोड़कर नहीं देख रही है। बीजेपी का मानना है कि पीएम मोदी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं। पीएम मोदी और वडोदरा में रहने वाले पार्टी कार्यकर्ता गोपाल भाई गोहिल के बीच की बातचीत का ऑडियो क्लिप व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दिवाली की शाम पीएम मोदी ने गोपाल भाई गोहिल और उनके परिवार को फोन पर शुभकामनाएं दी। मोदी ने काफी देर तक फोन पर गोपाल भाई से बात की। दोनों के बीच राजनीति और विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी के फोन कॉल पर गोपाल भाई ने बताया कि वो सितंबर 2011 में पीएम के सद्भावना व्रत के दौरान उनसे मिले थे, तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद गोहिल ने साल 2014 में वडोदरा में लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार किया था। वैसे पीएम और पार्टी कार्यकर्ता के बीच हुई बातचीत के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी इतना डर गई है कि उसने जीत के लिए पीएम मोदी को ही मैदान में उतार दिया है। वहीं बीजेपी विपक्ष के आरोपों का खंडन कर रही है। बीजेपी ने कहा कि इस बातचीत से पता चलता है कि प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं के लिए कितने सजग हैं। आपको बता दें कि दो चरणों में गुजरात में चुनाव होने हैं। 9 और 14 दिसंबर को गुजरात चुनाव होने हैं और वोटों की गिनती 18 दिसंबर को होगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।